हेलो फ्रेंड्स, आज हम जंतर मंतर जयपुर के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको ना पता हो, जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सनडायल है। नंबर टू, इसकी कंप्लीशन ईयर 1734 में की गई थी बाय राजा सवाई जयसिंह सेकंड। उनको काफ़ी इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमिकल प्रिडिक्शंस में और एस्ट्रोनॉमी एज अ सब्जेक्ट को जानने में। उस समय इंडिया के अंदर 5 सनडायल्स, 5 जंतर मंतर बनाए गए थे, जिसमें से जयपुर का आज भी फुली फंक्शनल और ऑपरेशनल है। इसको डिटेल में समझने के लिए कि एस्ट्रोनॉमिकल प्रिडिक्शंस कैसे की जाती थी और आज कैसे की जाती हैं, या फिर कुंडली कैसे बनाई जाती है जंतर मंतर से, हम चलते हैं अंदर और किसी प्रोफेशनल गाइड की हेल्प लेते हैं जो हमें विस्तारपूर्वक समझाएंगे। और ये जो जंतर मंत्र आप देख रहे हैं, इसे हमारे जयपुर के राजा ने बनाया था। जयपुर के राजा, जिनका नाम था सवाई जयसिंह। राजा जयसिंह जो है बहुत बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, टाउन प्लानर और गुड रूलर भी थे। तो राजा जयसिंह ने ऐसे जंतर मंत्र पूरे इंडिया में 5 जगह जंतर मंत्र बनाए गए थे। 5 ईस्टर्न ऑब्जर्वेटरी, दीज आर ऑल ओवर इंडिया। सो फर्स्ट ईस्टर्न ऑब्जर्वेटरी दिल्ली, सेकेंड वाराणसी, थर्ड मथुरा, फोर्थ उज्जैन एंड फिफ्थ जयपुर। पर जयपुर का जो जंतर मंत्र आप देख रहे हैं, ये लास्ट एंड फाइनल यानी कंप्लीट जंतर मंत्र जयपुर का है, जो आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है। बाकी कोई भी जंतर मंत्र वर्किंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि राजा ने वहाँ पे क्या बनाया था, प्रोटोटाइप ट्रायल, तो वहाँ पे ट्रायल किया और यहाँ पे फाइनल बनाया गया। जयपुर का जंतर मंत्र 1728 में बनाया गया था, ऑलमोस्ट 300 ईयर बैक, 300 वर्ष पहले। ये जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आपके सामने बना हुआ देख रहे हैं आप, ये वाला, ये घड़ी बनी हुई है यानी सन डायल, और ये आज भी हमें टाइम बताती है कि क्या टाइम हो रहा है। ये घड़ी हमें कैसे टाइम बताएगा, ये देखने के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में 1 o'clock, ये हो गया 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock। So each one marble, 1 hour. Evening or morning? It's evening. Morning, the other side. So this side is evening timing. So this is a 1 o'clock. ये हो गया 5 minute का line है ये. What time is it now? So 5:10:15. ये देखिए यहाँ पे shadow आ रहा है. 1:15. Yeah. So 1:15. ये जयपुर का time बता रहा है. Local time. और अपना जो घड़ियों का जो time है, वो IST है. Indian Standard Time. So, इंडिया के टाइम में और जयपुर के टाइम में डिफरेंस है, वो डिफरेंस है 41 मिनट। यदि 41 मिनट आप इस घड़ी में ऐड करेंगे तो आपका IST टाइम आ जाएगा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और अभी आपका घड़ी का टाइम होना चाहिए इसके हिसाब से 5:10:15:16। सो 1:16 दिस इज जयपुर टाइम प्लस 41 मिनट, सो 57। सो 1:57 आपका इंडिया का टाइम आ जाएगा। और ये इंस्ट्रूमेंट नाइट में वर्किंग करेगा, मून लाइट में, यानी कि रात को आठ बजे ये जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला सेंटर पॉइंट, और इस पॉइंट से आप सीधा स्ट्रेट स्काई में देखेंगे ना रात को इस तरीके से, तो ये आपको ध्रुव तारा बताएगा यानी पोल स्टार। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है, तो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। So this is our instrument's name, compass. Compass. तो ये यहाँ का कंपास बना हुआ है जिससे हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं। पहले जो घड़ी बताई थी ना, फर्स्ट वाला सन डायल जिससे हमने टाइम देखा था जयपुर का लोकल टाइम, ये उसी का सेकंड पार्ट यहाँ पे बना हुआ है, बट ये 24 आवर्स का टाइम बताता है, 24 आवर्स नाइट एंड डे। ये नाइट में मून लाइट को वर्किंग करेगा और डे में सन लाइट में, तो सन और मून दोनों में आपको टाइम दिखा सकता है। इसके बीच में एक पाइप लगा हुआ है यानी रोड, ये जो निडल आप देख रहे हैं, इस निडल का जो जहाँ पे शैडो गिरेगा, ये आपको टाइम बता रहा है। अभी लोकल टाइम हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है 1 o'clock, फिर ये लाइन आ गया 5 मिनट ईच, 5:10:15, इसके आगे मिनट आ गया 16:17:18 मिनट्स, तो ये हो गया 1:18। 1:18 ये जयपुर का टाइम है, प्लस आपको 41 मिनट ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 59।
सो 1:59 आपके घड़ी का टाइम आ जाएगा। तो सर ये रात को मून का बताएगा? यस, सन और मून दोनों में टाइम दिखाएगा, बट ये घड़ी काम करेगा ओनली 6 महीने। 6 महीने बाद इसके पीछे वाला घड़ी काम करेगा, क्योंकि ये है सदर्न हेमिस्फीयर। और अगर बादल होंगे और यदि क्लाउडी हो गया तो ये वर्किंग नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका विंटर क्लॉक। इसके पीछे ही एक ऐसा ही क्लॉक बना हुआ है, वो समर क्लॉक है, जो समर में टाइम बताता है। तो ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, इसके पीछे हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो 6 मंथ सन नॉर्थ में होता है और 6 मंथ सन साउथ में होता है। इस तरीके से ये घड़ियां हमें टाइम बताती रहती है। ये जो सदर्न हेमिस्फीयर आप देख रहे हैं, इस पे बिल्कुल भी सन का लाइट नहीं है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा ही डार्क पड़ा हुआ है। इसका मतलब अभी सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं आया है, अभी सदर्न हेमिस्फीयर में है। जब आफ्टर 6 मंथ बाद जब सन नॉर्थ में आएगा, तो फिर ये वाला घड़ी आपको टाइम बताना शुरू कर देगा और इसके पीछे वाला घड़ी बंद हो जाएगा। यहाँ पर कभी आएगा सर? इधर सन का लाइट आएगा 22nd मार्च। कब तक? क्योंकि 22nd मार्च से लेकर चलेगा 23rd सितंबर तक, और 21st मार्च, 21st मार्च को ये दोनों घड़ियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि सन इन दोनों घड़ियों के बीच में होगा, और बीच में से जो लाइन जाती है वो है इक्वेटर लाइन। तो जब सन इक्वेटर लाइन पे आएगा तो नाइट एंड डे आर इक्वल हो जाएगा। 12 आवर्स का नाइट होगा और 12 आवर्स का डे होगा, उस दिन ये दोनों घड़ी काम नहीं करेगी। जयपुर में इक्वेटर लाइन विल बी फॉर वन डे और टू डेज? टू डेज, 21st मार्च एंड 23rd सितंबर। इक्वेटर लाइन पे दिस पॉसिबल नॉट वन। और ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है यंत्र राज। ये यंत्र राज यहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। यंत्र का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट, और राज का मतलब हो गया यंत्रों का राजा। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बना हुआ देख रहे हैं, ये रात को वर्किंग करता है। रात को स्पेशल परमिशन लेकर एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर और पंडित लोग यहाँ समय समय पे आते रहते हैं, और वो लोग इस यंत्र से सभी ग्रह नक्षत्रों की जानकारी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस यंत्र के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, और वो सर्कल हो गया 360 डिग्री का। इसके बीच में ये लाइनें बनी हुई है, जिसको आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इन्हीं लाइनों के बीच में ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है, जहां से लाइनें शुरू हो रही है, वो नॉर्थ पोल है। उसके नीचे आप जो होल देख रहे हैं बीच में, वो जयपुर है, जिसके ऊपर अभी आप लोग खड़े हैं। और जयपुर के नीचे जो लाइन देख रहे हैं आप, लास्ट वाली लाइन, वो इक्वेटर लाइन है। यस, नो, जयपुर के नीचे जो लाइन है वो इक्वेटर लाइन है। यस, बट जयपुर इक्वेटर लाइन पे नहीं है, जयपुर इक्वेटर लाइन से ऊपर दिखाया गया है, यानी कि जयपुर 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में है। लेकिन इक्वेटर लाइन ऐसे कर्व तो है, तो स्ट्रेट थी ना? क्योंकि हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को जयपुर को रेफरेंस मानते हुए बना रहे हैं, इसलिए जयपुर को बीच में देना ही पड़ेगा। यदि अपन वर्ल्ड के हिसाब से बनाते हैं तो जयपुर किसी कोने में नजर आता। इक्वेटर लाइन जयपुर से 27 डिग्री। यस, और आप इसके अंदर देख रहे हैं सभी स्टार्स के नाम भी लिखे हुए हैं हिंदी में, जिनके नाम अश्वनी, बृहणी, रोहिणी, कृतिका, विशाखा, पुष्प, मघा, ये सब हिंदी में लिखे हुए हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बियर, आयरन, ऑरायन, बिग डीपर, मिल्की बियर। ओके, अब ये कैसे काम करेगा कि रात को एस्ट्रोलॉजर यहाँ आते हैं और इसके ऊपर एक टेलीस्कोप ट्यूब लगाते हैं। जैसे कि जयपुर पॉइंट मैंने आपको दिखाया है, तो रात को इस पॉइंट पे टेलीस्कोप लगाया जाएगा। फिर टेलीस्कोप को आप धीरे धीरे ऐसे टिल्ट करते जाएंगे, और फिर टेलीस्कोप के थ्रू आप स्काई में देखेंगे, तो आगे स्टार का नाम आ जाएगा कि आप किस स्टार को देख रहे हैं, और पीछे उसका डिग्री आएगा कि वो कितने डिग्री और कितने एंगल पे है। तो ये एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ ऑलमोस्ट वीक में एक बार आते हैं? नो, एक्चुअली जब भी एस्ट्रोलॉजरों के बीच में कोई समस्या पैदा हो जाए, या कोई समस्या खड़ी हो जाए, या पंचांग में वो देखते हैं कि 2 ग्रहण आ रहे हैं या 3 ग्रहण आ रहे हैं, या शुक्र शनि में प्रवेश कर रहा है, शनि शुक्र में प्रवेश कर रहा है, ऐसी विकट समस्या के दिन वो लोग फिर इस यंत्र को यूज में लेते हैं और देखते हैं कि ग्रहों की दशा क्या चल रही है। जजमेंट किसका? जजमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बना हुआ देख रहे हैं, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जय प्रकाश यंत्र। जय मीन्स राजा जय सिंह, तो राजा जय सिंह ने अपने खुद के नाम से इस यंत्र को बनवाया है। तो जय मीन्स राजा जय सिंह हो गया, प्रकाश मीन्स सनलाइट,
एंड यंत्रा, यंत्रा मीन्स इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट राजा जय सिंह ने संपूर्ण यंत्रों को यहाँ पे मिला के बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी यंत्र और जंत्र आप जंत्र मंत्र में इंस्ट्रूमेंट बने हुए देख रहे हैं उन सभी यंत्रों को यहाँ पे इसी यंत्र में डाल दिया गया है। आप इस यंत्र से सभी चीजें मालूम कर सकते हैं, जैसे कि टाइम मालूम कर सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर मालूम कर सकते हैं, यहाँ से आप पोल स्टार देख सकते हैं और ये यंत्र आपको राशियां भी बता सकता है कि अभी सूर्य किस राशि में प्रवेश कर चुका है। और इस यंत्र के दो पार्ट बने हुए हैं, मतलब राजा जय सिंह ने इसके दो हिस्सों में बनाया, पार्ट ए और पार्ट बी इसके साइड में बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि पार्ट ए में आप जो मिसिंग मार्बल देख रहे हैं तो यहाँ का जो बीच का जो कटा हुआ जो मिसिंग मार्बल है वो पार्ट बी में लगा दिया गया है और पार्ट बी का मिसिंग मार्बल पार्ट ए में लगा दिया गया है। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो ये कम्प्लीट एक ग्लोब हो जाएगा। सेंटर में एक लोहे की प्लेट लगी हुई है जो आपको हिलती हुई नजर आ रही है और इस प्लेट को क्या माना गया है, सन माना गया है, पोजीशन ऑफ सन। इस प्लेट का शैडो आप व्हाइट मार्बल पे देख सकते हैं और जहाँ व्हाइट मार्बल पे शैडो आ रही है वो राशि शो कर रहा है और वहाँ हिंदी में राशि का नाम लिखा हुआ है और अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है कुंभ राशि। कुंभ मतलब हो गया एक्वेरियस। आप मेरा हाथ का परछाई देख सकते हैं, यहाँ मेरा हाथ का परछाई आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे धनु कुंभ लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसी लाइन को फॉलो करते जाओ तो ये देखो यहाँ भी धनु कुंभ लिखा हुआ है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पूरा कुंभ राशि का हो गया। तो सुबह प्लेट की जो शैडो है वो वहाँ कुंभ राशि से शुरू होती है और कुंभ राशि पे ही खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि में सूर्य ने प्रवेश किया 21 जनवरी और 21 जनवरी से लेके चलेगा 21 फरवरी। तो 21 फरवरी तक जितने भी बच्चे या बच्चों का जन्म होगा उनका नाम होगा कुंभ राशि पे, मतलब उनका सन साइन जो है एक्वेरियस होगा। ये बीच में जो लाइन आप देख रहे हैं जहाँ मेरा हाथ का परछाई आपको नजर आ रहा है ये इक्वेटर लाइन है, यानी 0 डिग्री। तो इक्वेटर लाइन से 6 राशि ऊपर और 6 राशि नीचे दिखाई गई है जिनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल सकते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोल सकते हैं, जैसे कि हिंदी में अपन बोलते हैं मकर रेखा और कर्क रेखा और बीच में विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। तो इसमें ये दिखाया गया है कि इक्वेटर लाइन से 6 राशि ऊपर 6 राशि नीचे और ये इंस्ट्रूमेंट 1 घंटा वर्किंग करता है। 1 घंटे बाद ये इंस्ट्रूमेंट आपको राशि नहीं बताएगा। उसका कारण क्योंकि बीच में जो प्लेट की परछाई व्हाइट मार्बल पे दिख रही है वो शैडो मिसिंग मार्बल में चली जाएगी। तो जब शैडो मिसिंग मार्बल में चली जाएगी तो उसका सेकेंड पार्ट वर्किंग करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब 1 घंटा ये चलेगा 1 घंटा वो चलेगा, यानी ऑल्टरनेटली 1 आवर 1 आवर। सो 1 आवर दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स, 1 आवर दैट इंस्ट्रूमेंट, बट जोडियक साइन विल बी सेम। तो राशि दोनों में सेम कहलाएगी। जोडियक साइन केवल ड्यूरिंग द सन टाइम आएगा क्योंकि ये सन से कंट्रोल। यस, बट नाइट टाइम ये आपको मून साइन दिखाएगा क्योंकि एक होता है सन साइन एक होता है मून साइन। तो अभी ये सन साइन दिखा रहा है, यदि रात को आप देखेंगे तो ये मून साइन दिखाएगा। मतलब अभी हम जो देख रहे हैं वेस्टर्न है और रात को कौन सा हो जाएगा ईस्टर्न। परफेक्ट। रात को लेकिन इतना रोशनी कैसे होगी कि वो देख सके? एक्चुअली सर हमारा जयपुर का जो जंतर मंतर आप देख रहे हैं इसके आसपास आप बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं और ना आप लाइटिंग लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल शार्प और क्लियर आती है। तो ये शैडो रात को भी आएगी? बिल्कुल, सेंटर में जो प्लेट लगी हुई है उसका शैडो वहाँ मिसिंग मार्बल में नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ का मिसिंग मार्बल पार्ट ए में लगा हुआ है, इसलिए पार्ट ए वर्किंग कर रहा है। जब पार्ट ए बंद हो जाएगा तो ये पार्ट बी शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वेरियस, जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है कुंभ राशि, ऐसे ही यहाँ पे 12 यंत्र बने हुए हैं, मतलब 12 इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं मंथ के अकॉर्डिंग। तो ये मंथ वाइज काम करते हैं। तो ये 12 राशियाँ बनी हुई हैं जो जन्म पत्री
कैलेंडर, पंचांग और हॉरोस्कोप बनाने में काम आती है आज भी। आज भी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर और स्टूडेंट समय समय पे आते रहते हैं और यहाँ पे गणनाएं करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको कुंभ राशि के ऊपर क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये जो मंथ है ये कुंभ राशि का है। इस महीने में सूर्य कुंभ राशि में चल रहा है। मान लीजिए इस महीने में किसी बच्चे का जन्म होगा तो वो कुंभ राशि में होगा, और फिर हम क्या देखेंगे, उसका टाइम ऑफ बर्थ, कितने बजे उस बच्चे का जन्म हुआ। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको डिग्री बता देगा कि सन कुंभ राशि में कितने डिग्री पे था जब उस बच्चे का जन्म हुआ। तो हम आपको डिग्री दिखाने लेके चल रहे हैं कि अभी डिग्री क्या चल रही है। अब ये आगे आपका कुंभ राशि है यानी एक्वेरियस, यहाँ पर शैडो आ रही है और आज है 14 फरवरी, और आज 14 फरवरी को यदि इसी टाइम किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो ये आपको डिग्री शो करेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है 270 के ऊपर शैडो नहीं है, तो यहाँ पे प्लस कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 270 + 9 तो ये हो गया 279 डिग्री। अभी इसी टाइम किसी बच्चे का बोर्न हो रहा है एक्वेरियस में, तो अभी करंट पोजीशन आ रही है 279 डिग्री। 279 डिग्री हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। उसके बाद हम आप वापस उसी यंत्र में जाएंगे जहाँ से हमने स्टार देखे थे। उस यंत्र पे आपको वैसे ही टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा और वो टेलीस्कोप टिल्ट करना पड़ेगा 279 डिग्री, और फिर आपको स्काई में देखना पड़ेगा, तो आपको वो यंत्र करंट पोजीशन बता देगा कि किस ग्रह नक्षत्र में उस बच्चे का जन्म हुआ है, ताकि हम लोग उसका कुंडली बना देंगे और कुंडली बनाकर उसका फ्यूचर देख सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा घड़ी बना हुआ है, वर्ल्ड बिगेस्ट सन डायल। ऐसा घड़ी अभी तक पूरी दुनिया में कहीं पे बना हुआ नहीं है। जैसे कि हमने आपको सबसे पहले एक घड़ी दिखाई थी और वो घड़ी हमें टाइम बताती है 20 सेकंड, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट को 3 में डिवाइड किया था। सो 1 मिनट डिवाइड इन 3 पार्ट, इच वन पार्ट हो गया 20 सेकंड। बट राजा जय सिंह ने उसी घड़ी को ध्यान में रखते हुए किस घड़ी को बनाया, उसका 10 times bigger। तो 10 times आप बिगर बनाएंगे तो एक्यूरेसी आ जाएगा 2 सेकंड। तो 2 सेकंड वाला घड़ी बनाया गया है। आप देख रहे हैं बीच में दीवार बना हुआ है और इस दीवार का शैडो इधर वाइट मार्बल पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो जहाँ दीवार का शैडो आप देख रहे हैं वाइट मार्बल पे, वो शैडो एवरी 2 सेकंड में मूव करेगी, मतलब हर 2 सेकंड में वो शैडो शिफ्ट होती चली जाएगी। तो इस घड़ी का एक्यूरेसी 2 सेकंड टाइम बताने का। अगर 2 सेकंड एक्यूरेसी थी तो फिर 20 सेकंड गलत क्यों बनाया? एक्चुअली राजा जयसिंह ने मोर प्रोसाइज टाइम देखने के लिए बाद में इसको बनाया गया। पहले बनाया गया था 20 सेकंड वाला, फिर राजा ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम 2 सेकंड तक की एक्यूरेसी ला सकें, तो उसके बाद फिर ये बड़ा वाला घड़ी बनाया गया। ये जो यंत्र जो आपके सामने बना हुआ है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है रामा यंत्र। रामा यंत्र पार्ट ए यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे भी पार्ट बी आप सामने देख सकते हैं, वो दूसरा सेकंड वाला है। पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि जयप्रकाश यंत्र जो मैंने आपको दिखाया था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, वैसे ही इस यंत्र को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कि मेरे कहने का मतलब, इसके बीच में आप जो मिसिंग मार्बल देख रहे हैं वो पार्ट बी में है, और पार्ट बी का मिसिंग मार्बल जो है वो पार्ट ए में है, मतलब ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको बताएगा द ऑल्टीट्यूड एंगल। यू नो ऑल्टीट्यूड मीन्स हो गया हाइट अबाउट द होराइजन, कि अभी सन होराइजन से कितना ऊपर है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एजीमुथ एंगल, यू नो एजीमुथ हो गया रोटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि अपना अर्थ कितना डिग्री अपने एक्सिस पे घूम चुका है, क्योंकि 24 घंटे में अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये यंत्र जो है ये सन का एंगल भी बताएगा और ये अर्थ का रोटेशन भी बताएगा कि अर्थ कितना डिग्री घूम चुका है। ये राम यंत्र भी आप देख रहे हैं अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये बीच में जो पोल जो लगा हुआ देख रहे हैं आप, आयरन पोल, इस पोल का शैडो यहाँ मिसिंग मार्बल में है। तो इसका मतलब जब शैडो मिसिंग मार्बल में आ जाएगा तो इसका फर्स्ट वाला भाग काम करेगा, और जब फर्स्ट वाला शैडो मिसिंग मार्बल में आ जाएगा तो सेकंड वाला पार्ट वर्किंग करेगा, मतलब ऑल्टरनेटली 1 आवर 1 आवर।
For 1 hour, this instrument works, 1 hour, that instrument. But function is same. ये यंत्र जो आप बना हुआ देख रहे हैं, इसका नाम है कप्पाली यंत्र। ये कप्पाली यंत्र जो आप देख रहे हैं, ये उसका रफ मॉडल है। हमने आपको जहाँ पे जयप्रकाश यंत्र दिखाया था, जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसका ये वन पीस है। राजा जयसिंह ने पहले यहाँ पे ट्रायल किया था जयप्रकाश यंत्र को, और जयप्रकाश यंत्र को यहाँ पे माइन्यूट एक्यूरेसी तक लाने के लिए इस यंत्र को बनाया गया था। तब ये यंत्र वर्किंग करना शुरू किया। इसके बाद जयप्रकाश यंत्र को दो भागों में बांटा गया और माइन्यूट एक्यूरेसी के लिए उसको बड़ा बनाकर 200 में डिवाइड किया गया, ताकि 100% एक्यूरेसी आ सके। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो जयप्रकाश यंत्र हमने देखा था, जिससे राशियां मालूम की थी, उसका ये रफ मॉडल है, प्रोटोटाइप है। एक्चुअली राजा जो जयसिंह है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो राजा जयसिंह की हम बात कर रहे हैं 1728 की, यानी कि 300 ईयर्स बैक। बट आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ये हजारों वर्ष पुरानी है। अब आर्यभट्ट का इतिहास तो आगे देखें, बहुत बड़े मैथमेटिशियन रह गए हैं, और हमारे जयपुर क्या, हमारे इंडिया बहुत बड़ा मतलब मैथमेटिक्स का गढ़ रहा हुआ है, और इंडिया के ऋषि मुनि, इन्होंने बहुत पहले ये चीज़ें बुक्स में लिख दी गई थी, जिसको राजा जयसिंह ने प्रैक्टिकली दिखाया गया। इसका नाम है चक्र यंत्र। चक्र मीन्स होता है एक सर्कल नुमा यंत्र जो बना हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। ये यंत्र जो है, ये आपको बताएगा सन का पोजिशन, कि सन इक्वेटर लाइन से नॉर्थ में है या साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, या सबसे बड़ा दिन कब होने वाला है, सबसे बड़ी रात कब होने वाली है, और रात और दिन बराबर कब होने वाले हैं, इस यंत्र से हम मालूम कर सकते हैं। इस यंत्र के बीच में ये इक्वेटर लाइन दे रखी है, और ये बीच में सन की पोजिशन है, और यहाँ पे हमको एक स्केल लगाना पड़ेगा, जैसे मेरी उंगली लगी हुई है, इसी उंगली का शैडो फिर यहाँ स्केल पे गिरेगा, और ये देखो जहाँ पे हिल रहा है, मेरा हाथ का परछाई हिलता हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, करेक्ट। तो यहाँ पे ये डिग्री लिखा हुआ है, और ये 0 degree है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 degree। तो अभी इस उंगली का शैडो 9 degree पे आ रहा है, इसका मतलब अभी सन इक्वेटर लाइन से 9 degree दूर है। ये जो यंत्र जो यहाँ पे बना हुआ है, ये जंतर मंत्र का लास्ट यंत्र बना हुआ है, और इसी का लास्ट मॉडल है जो हमने सबसे पहले वो घड़ी दिखाई थी, 24 hours, जो रात को भी काम करती है, दिन को भी काम करती है। समर का अलग बना हुआ है, विंटर का अलग बना हुआ है, उत्तरायण और दक्षिणायन, इसको दो भागों में बांटा गया था। उसी घड़ी को बनाने से पहले राजा जयसिंह ने उसका यहाँ भी ट्रायल किया था, और ये ट्रायल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके बाद वो फाइनल इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया, जो आज भी हमें टाइम बता रहा है। तो वैसे ही राजा जयसिंह ने हर यंत्र को पहले ट्रायल दिया, उसके बाद रियल बनाया गया, और मैं आपको जारी करके बता दूँ, जब आपको उसमें लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, टू सब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमी इज सन, एस्ट्रोलॉजी इज मून एंड स्टार एंड प्लैनेट। तो ये एस्ट्रोनॉमी भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है। यहाँ पे जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, ये सन की लाइट पे जो वर्किंग करते हैं, और सन लाइट पे जो इंस्ट्रूमेंट वर्किंग कर रहे हैं वो हो गया एस्ट्रोनॉमी, और सारे यंत्र जो रात को वर्किंग करते हैं तो वो हो गया एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज वर्क बाय द सनलाइट एंड मूनलाइट, एंड एस्ट्रोनॉमी इज सन। तो सन इंस्ट्रूमेंट वर्क सनलाइट, एंड सन इंस्ट्रूमेंट वर्क मूनलाइट, तो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी वर्किंग। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे पूरा समझ के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड द कंप्लीट थिंग ऑलरेडी। आपका गुड नेम क्या है? हाँ, मेरा नाम है राकेश कुमार योगी, मिस्टर योगी। आई एम हाईली इंप्रेस्ड, हमने राइट गाइड के साथ है, फर्स्ट टाइम इन जयपुर, लेकिन आई एम इंप्रेस्ड। थैंक यू, थैंक यू।